फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम कोचिंग एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं। रुको रुको, पहले मुझे बताओ कि टोमेटो का कलर रेड क्यों होता है, पपैया का कलर येलो क्यों होता है, और ओनियन का जो कलर पिंक रहता है, और उसमें जो पंजेंसी होती है उसकी, जो आंखों से पानी निकलता है, इतना तीखा क्यों होता है, उसके आंसर दो। ओके ओके ओके, तो आज हम जनरल एग्रीकल्चर के सेकंड लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा जनरल एग्रीकल्चर का सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले है येलो पिगमेंट इन पपैया। पपैया के अंदर जो येलो कलर का पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैरिका जंथिन। उसी की वजह से पपैया में जो रेड कलर जो सॉरी येलो कलर होता है। उसके बाद है येलो कलर ऑफ कसावा। कसावा जिसको हम टैपियोको बोलते हैं, जिसको हम टैपियोको भी बोलते हैं, और उसी के साथ उसे साबूदाना भी बोलते हैं। कसावा से ही हम साबूदाना भी बोलते हैं, उससे ही प्रिपेयर करते हैं प्रोसेसिंग के। उसमें जो येलो कलर होता है कसावा में, वो है कैरोटीन की वजह से होता है। थर्ड है येलो कलर ऑफ ओनियन। येलो कलर जो होता है ओनियन में, वो क्यूरेसेटाइन की वजह से होता है, क्यूरेसेटाइन के वजह से। उसके बाद है पिंक कलर ऑफ ओनियन। ओनियन में जो पिंक कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। यहाँ पे देखो दो कंसेप्ट है, एक है येलो कलर ऑफ ओनियन और सेकंड है पिंक कलर ऑफ ओनियन। येलो कलर ऑफ ओनियन वो इसकी वजह से होता है, क्यूरेसेटाइन की वजह से होता है, और पिंक कलर है एंथोसाइनिन की वजह से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है पंजेंसी ऑफ ओनियन। ओनियन में जो आँखों से पानी निकलता है और पंजेंसी होते हैं, वो होते हैं अलील प्रोफिल डाइसल्फाइड। एक ओलाटाइल ऑयल होता है अलील प्रोफिल डाइसल्फाइड, उसी की वजह से ओनियन में पंजेंसी होती है। उसके बाद और एक क्रॉप में पंजेंसी होती है, गार्लिक। गार्लिक में भी पंजेंसी होती है। गार्लिक में जो पंजेंसी होती है डाई अलील डाइसल्फाइड की वजह से होती है, डाई अलील डाइसल्फाइड। उसके बाद पंजेंसी ऑफ रेडिश। रेडिश में जो पंजेंसी होती है वो होते हैं आइसोथियोसाइनेट की वजह से होते हैं, आइसोथियोसाइनेट की वजह से पंजेंसी होती है रेडिश में। उसके बाद है पंजेंसी ऑफ कोल क्रॉप्स। तो सबसे पहले पंजेंसी ऑफ कोल क्रॉप समझने से पहले हमें कोल क्रॉप के बारे में जानकारी होगी। कोल क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो बिलोंग करते हैं क्रूसीफेरी फैमिली को। क्रूसीफेरी फैमिली को जो क्रॉप बिलोंग्स करते हैं उसे हम कोल क्रॉप बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है, ब्रोकोली आता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट आता है, टर्निप आता है, रेडिश आता है, मस्टर्ड ग्रीन भी उसी में आते हैं। तो पंजेंसी ऑफ कोल क्रॉप को सिनी ग्रीन की वजह से, सिनी ग्रीन के वजह से आती है। उसके बाद पंजेंसी ऑफ चिली। तो मिर्च जो हमारी जो चिली होती है, मिर्च होती है, वो पंजेंट होती है। पंजेंट किसकी वजह से? कैप्सेसिन की वजह से होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद है कलर पिगमेंट ऑफ चिली। चिली में जो रेड कलर होता है, जो कलर पिगमेंट होता है, वो कैप्सेसिन है। कैप्सेसिन थीन है वो है कलर के लिए, और कैप्सेसिन है वो पंजेंसी के लिए। यहाँ पे थीन और यहाँ पे वहाँ पे सीन लग याद कीजिए। उसके बाद है रेड वायलेट कलर ऑफ बीट रूट। बीट रूट में रूट में जो रेड और वायलेट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बीटा साइनेनिन की वजह से, वो होता है बीटा साइनेनिन के वजह से। उसके बाद है रेड कलर ऑफ टोमेटो। टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है, इसलिए टमाटर लाल होता है। कलर ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का जो कलर होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। उसके बाद है एंटी कैंसरस प्रिंसिपल इन ब्रोकोली। ब्रोकोली में जो एंटी कैंसरियस यानी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रहती है, उसमें जो प्रिंसिपल होता है उसको हम बोलते हैं सल्फोरोफेन बोलते हैं, सल्फोरोफेन। उसके बाद है अल्कोलाइड प्रेजेंट इन पोटैटो। पोटैटो में जो अल्कोलाइड प्रेजेंट होता है वो है सोलानिन और चाकोनिन, सोलानिन एंड चाकोनिन। उसके बाद है अल्कोलाइड प्रेजेंट इन ब्रिंजल। ब्रिंजल में भी एक अल्कोलाइड होता है, उसको हम बोलते हैं सोला सोडाइन, सोला सोडाइन उसे हम बोलते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल कंपाउंड इन कॉफी। प्रिंसिपल कंपाउंड जो कॉफी में होता है कैफेन होता है, कैफेन होता है। उसके बाद प्रिंसिपल कंपाउंड इन कोका। कोका का जो बॉटनिकल नेम है वो थियोब्रोमा कोका, तो उसी के ट्रिक से आप याद करते थियोब्रोमाइन होता है इसमें कोका में। चलिए मूव करते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसमें है प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड इन पीच। पीच के अंदर जो प्रिंसिपल ग्लाइकोसाइड होता है वो होता है प्रोनासिन, प्रोनासिन होता है। उसके बाद इंजाइम प्रेजेंट इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में जो इंजाइम है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट उस यहाँ पे क्वेश्चन किया था कि इंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है पाइनएप्पल में, तो पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का इंजाइम्स होता है यहाँ पे। उसके बाद इंजाइम प्रेजेंट इन पेपेन। पेपेन में पेप्सिन होता है।
उसके बाद मस्कट फ्लेवर ऑफ ग्रेप, ग्रेप में जो मस्कट फ्लेवर आता है वो किसकी वजह से आता है, उसका जो आंसर होगा तो होगा मिथिल एंथ्रानिलेट, मिथिल एंथ्रानिलेट के वजह से मस्कट फ्लेवर आता है ग्रेप में। उसके बाद है एक्टिव कंपाउंड इन फिग, फिग में जो एक्टिव कंपाउंड रहता है वो फिसिन रहता है, कौन सा रहता है फिसिन। उसके एंटी कैंसरस प्रिंसिपल ऑफ टोमेटो, एंटी कैंसरस प्रिंसिपल कौन सा है लाइकोपिन, और टोमेटो का जो रेड कलर था किसकी वजह से था, वो भी लाइकोपिन की वजह से है, यानी कि दोनों को आंसर जो है सेम होगा। उसके बाद एंटी कैंसरस प्रिंसिपल इन कैबेज, कैबेज में जो एंटी कैंसरस प्रिंसिपल है वो कौन सा है, इंडोल थ्री कार्बिनोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटी कैंसरस प्रिंसिपल कैबेज में भी होता है, जो इसका आंसर होगा इंडोल थ्री कार्बिनोल होगा। उसके बाद जो एंटी कैंसरस प्रिंसिपल किस में था, ब्रोकोली में था, वो कौन सा था, सल्फो फोरोफेन, सल्फो फोरोफेन था। उसके बाद और किस में था प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल हाँ तो इसमें था, और एक किस में था, तो ये थे एंटी कैंसरस प्रिंसिपल के। तो ये था हमारा जनरल एग्रीकल्चर का सेकेंड लेक्चर, तो हम आगे और लेक्चर देखने वाले।